सब्सक्राइब करें मेडिसिनल नॉलेज हिंदी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। मेला एक्सटी क्रीम जिसका एसपीएफ 50 रहता है, मतलब सन प्रोटेक्शन फैक्टर 50 रहता है, तथा ये एडोनिस फार्मास्यूटिकल के द्वारा बनाई जाती है। 550 का ये पूरा क्रीम रहता है जो कि 30 ग्राम के अंदर रहता है। तो एडी मेला एक्सटी क्रीम के बारे में हम जानेंगे कि इस वीडियो में कि एडी मेला एक्सटी क्रीम डॉक्टर कब रिकमेंडेड करते हैं तथा इसको लगाने से आपको क्या बेनिफिट होता है तथा इसको कब तक लगाया जा सकता है। तो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मिलने वाला, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं छोटा सा इंट्रो के बाद। एडी मेला एक्सटी क्रीम के अंदर जो समुद्र में जो डेड्स मिनरल्स रहते हैं तो वो डाले गए हैं। इसके अंदर डेड सी मिनरल्स डाले गए हैं तथा ये लाइटनिंग और डार्क स्पॉट के लिए यूज़ की जाती है तथा इसका बेनिफिट मेनली ये रहता है कि ये बनाई गई है क्रीम जो डेड सी मिनरल्स रहता है उसकी तरह, तथा इसका आइडियल पीएच भी है 5.5 जो कि हेल्दी स्किन के लिए रहता है, तथा इसको यूज़ किया जाता है जो आपकी स्किन पे मिलाज्मा हो जाता है, जो मेलानिन सिंथेसिस होता है वो फॉर्म हो जाता है, ज़्यादा क्रिएट होता है, तो मिलाज्मा के लिए यूज़ किया जाती है तथा लाइटनिंग और डार्क स्पॉट के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो मेनली जब आपके फेस पे जो डार्क स्पॉट रहते हैं वो किसके कारण होते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर मेलानिन सिंथेसिस ज़्यादा हो जाता है, तो ये क्रीम लगाने से जो मेलानिन सिंथेसिस को जो फॉर्म करता है टायरोसिनेस रहता है उसको इनहिबिट कर देता है। उसके कारण इनहिबिट होने के कारण जो मेलानिन सिंथेसिस ज़्यादा फॉर्म नहीं होगा तो मेलानिन आपके फेस पे ज़्यादा नहीं आएगा। तो मिलाज्मा का ये ट्रीटमेंट करता है तथा लाइटनिंग करता है आपके फेस को, तथा डार्क जो स्पॉट रहता है जो एक्ने स्कॉप रहता है या जो बहुत डार्क टाइम से स्पॉक है उसको रिमूव करता है। तथा इसको कैसे यूज़ करने का है कि इसको आपको फेस को ड्राई करने का, क्लीन करने का, रब करने के बाद आपको थोड़ी सी क्वांटिटी में लेके दिन में 2 बार यूज़ करने का है। तथा इसको यूज़ किया जाता है पिगमेंटेशन के लिए, डार्क स्पॉट के लिए, तथा मिलाज्मा के लिए, तथा एक्ने स्पॉट के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो जब भी आप इसे यूज़ करें तो इसके लेबल को अच्छी तरह से पढ़ लें तथा बच्चों से थोड़ा दूर रखें, तथा जब भी आप इसे यूज़ करें तो सीक्वल करके यूज़ करें, तथा इसके अंदर SPF 15 है जो कि सन प्रोटेक्शन फैक्टर है। तो आप इसे बाहर जाओ तब भी लगाओगे तो आपको सन से भी प्रोटेक्ट मिलेगा। तो इस क्रीम के बारे में आपको कुछ भी डाउट रहे तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है वहाँ पे पूछ सकते हो। चैनल पे और वीडियो पे पहली बार आप विजिट किए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।